नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का बुध यानी कि ज्ञान बुद्धि वाणी के कारक ग्रह बुध का गोचर 29 दिसंबर 2021 को होगा। बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के लिए बुध क्या अच्छे और बुरे परिणाम लेकर आ रहे हैं, साल के अंतिम 3 दिन और नए साल की शुरुआत बुध कैसी करेंगे, ये जानने की उत्सुकता आपके अंदर होगी। तो हम आपको बताएंगे कि बुध कितना कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बुध अगर अच्छे हैं तो आपकी नौकरी भी अच्छी, व्यापार भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, रिश्ता भी अच्छा और फिल्मी दुनिया, गीत कला संगीत वाली दुनिया में भी आपका परचम यानी कि आपके नाम की वाह वाह वाही होगी। तो जानिए अपनी राशि के लिए बुध क्या अच्छा और क्या बुरा लेकर आ रहे हैं, क्या उपाय करके बुध को बेहतर बनाया जा सकता है। तो साल के अंतिम 3 दिन 29, 30 और 31 दिसंबर और आगे आने वाला साल 2022 का शुरुआत क्या बुध बेहतर करने वाले हैं, हम जानेंगे आपकी राशि के लिए। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपको सिर्फ 3 काम करने हैं इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक तो हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और हमसे जुड़कर अपने जीवन की सभी होने वाली सच्ची घटनाओं के बारे में जानें जो ज्योतिष के आधार पर हम आपको देते हैं। और हम पिछले 5 सालों से आपके बीच हैं और आपने इतना बड़ा परिवार किया, उसके लिए धन्यवाद। साल 2022 आपके लिए बहुत शुभ हो, इसकी हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। और बुध के इस गोचर में क्या होने वाला है आपकी राशि के साथ, इसका शुभारंभ करते हैं। जानते हैं आपकी राशि का संपूर्ण हाल, बुध आपके लिए कितना कुछ लेकर आ रहे हैं। हम बात करते हैं कर्क राशि की। सातवें घर पे बुध वाले लोग करिश्माई होते हैं। जब भी बुध सातवें घर में जाते हैं तो लोग चमत्कार करते हैं, करिश्मा करते हैं। आमतौर पर आपके अंदर अद्भुत बयानबाजी का कौशल होता है, यानी कि जुबान से हर समस्या का हल निकाल लेते हैं, अच्छी शब्दों का आदान प्रदान करते हैं आप। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, दूसरे लोगों की आप प्रशंसा करते हैं और आप लोगों के बीच में, समाज के बीच में, जनता के बीच में लोकप्रिय हो जाते हैं अपनी बातों से। आपकी कंपनी, आपके साथ उठना बैठना, बातचीत करना लोगों को बहुत पसंद आता है। आप किसी ऐसे मंच पर खड़े होकर अगर बोलते हैं जहाँ पर जनता आपको सुनती है तो जनता के कानों में आपकी आवाज़ मीठी वाणी के रूप में और प्रेरणादायक स्टोरी के रूप में गूंजती है। जीवन को संतुलित और अच्छा रखना आपको यहाँ पर बुध सिखा देते हैं। आपका जो दिमाग और आपकी जो जुबान होती है वो शांत रहता है और शब्दों की मर्यादा को आप समझते हैं। सातवें घर में बुध जब भी होता है तो लोग तर्कवादी होते हैं, आसानी से किसी बात को नहीं मानते हैं बल्कि तर्क वितर्क करते हैं, क्यों है, कैसे है, इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसे सवाल जवाब करते हैं और सभी चीज़ों का निरीक्षण करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है तो कैसे है, इसको नापना, इसको समझना, इसके बारे में जानकारी लेना। कहते हैं ना, हर एक चीज़ को देखभाल कर, सोच समझ कर, परीक्षण करके, ठोक बजा कर, सभी चीज़ों के बारे में सही जानकारी लेकर ही अपनी हाँ और ना या अपनी राय को व्यक्त करते हैं। इनके पास एक ऐसा दिमाग होता है जिससे ये हर एक चीज़ का एक लंबा चौड़ा विश्लेषण कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में दुनिया को समझा सकते हैं, हर एक स्कीम को दुनिया के सामने रख सकते हैं, हर एक अपनी जो क्वालिटी है, अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उनके खुद की जो क्वालिटी है, ये दुनिया को बता सकते हैं अपनी ज़ुबान से, खुद के बारे में, चीज़ों के बारे में इस वक्त में ये बेहतर बता पाएंगे जो भी कर्क राशि के लोग हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बहुत सावधानी रखते हैं। मैंने फिर पहले एक शब्द यूज किया था, आप लोग आम भाषा में बोलते हैं, हर एक चीज़ को ठोक बजा के लेते हैं, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते हैं। बुध आपको मिलनसार बनाते हैं, लोगों के बीच में मिलते हैं जुलते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं और बहिर्मुखी होते हैं, बहुत सारी गुणों होते हैं, बहुत सारी प्रतिभाएँ होती हैं, नौकरी व्यापार में अच्छा करते हैं, हर एक चीज़ पर जोर देते हैं, हर एक चीज़ की कमियां, हर एक चीज़ की अच्छाइयां निकालने में आपको मन करता है, आपके पास अच्छी जानकारियों का आदान प्रदान करने का मन करता है, दुनिया को देते भी हैं जानकारी के रूप में, दुनिया से कुछ लेते भी हैं और आनंद का समय बिताते हैं। आप बातचीत से ही दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल कर
चीज़ों को, समस्याओं को खत्म कर देते हैं। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखिएगा। सातवें घर में बुध वाले लोग विवाह या रिश्तों में बहुत बातूनी साथी को खोजते हैं। ऐसे में आप लोग बहुत बातूनी हो जाते हैं, बहुत बातें करते हैं, और आप से जो ज्यादा बातें करेगा उन लोगों में आपको उठना बैठना बढ़िया रहता है। किसी के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में वफादार होते हैं, समर्पित होते हैं, खुले विचारों के होते हैं। यानी अगर आप विपरीत लिंग की तरफ जाएं या दोस्ती यारी की तरफ जाएं तो सामने वाले की भावनाओं की कद्र करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को समझते हैं और खुले विचारों के होते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज में समझौता करने के लिए तैयार होते हैं, अड़ियल दिमाग के नहीं रहेंगे आप इस समय में। एक दिलचस्प बात यह है कि अक्सर आप क्या कहते हैं, इस समय में अगर आप शादीशुदा हैं और तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपका जीवन साथी से कोई तनाव चल रहा है तो आप दूसरी शादी के बारे में भी सोच सकते हैं, रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप खुले विचारों के हैं, स्वतंत्र बात करना पसंद करते हैं। इस समय में आपके अंदर जो चल रहा है, आप जो सहन कर रहे हैं या आप जो बर्दाश्त कर रहे हैं उसको खुलकर सामने कह पाएंगे जीवन साथी के सामने या समाज के सामने, और कह देंगे कि नहीं, मुझे मेरी और तुम्हारी आपस में नहीं पट रही है, ना तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है ना मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, हमें अलग हो जाना चाहिए। ऐसे बड़े फैसले भी ले लेते हैं। और आम तौर पर जवान लोगों के साथ उठना बैठना आपको पसंद होता है, भले आपकी उम्र 60 साल की हो, लेकिन आपको जो संगति है वो जवानों की पसंद आएगी, या आप कह सकते हैं जवानों के साथ उठना बैठना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी जैसी हरकतें, उनकी जैसी गतिविधियां करना आपके अंदर इस समय ज्यादा रहेगा। इस गोचर के दौरान आप देखेंगे अपनी गोचर कुंडली में तीसरे और बारहवें भाव का स्वामी जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दूरियां आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में जो तनाव आप महसूस कर रहे हैं, जिसको आप अभी तक नहीं कह पाए, वो तनाव बाहर निकल सकता है, उसका रिजल्ट कई बार रिश्तों में दूरियां भी लेकर आता है। और कई बार आप अपने जीवन साथी से थोड़ा दूरी महसूस कर सकते हैं, और आप अपने जीवन साथी के साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं, योजनाएं बन सकती हैं। इस दौरान रिश्तों में गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव हो जाए। और जो लोग सिंगल हैं, जो लोग शादी की योजना बना रहे हैं, उनकी शादी भी हो सकती है। और दोस्त यार या किसी जानने वाले की मदद से आपको शादी का रिश्ता आ सकता है, या किसी जानकार की कोशिश से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मीडिएटरशिप करे और वो आपका जानकार हो, तो एक अच्छा पार्टनर भी आपको मिल सकता है इस गोचर के दौरान। और आप किसी के प्रति प्यार में पागल भी हो सकते हैं, मतलब किसी को मन ही मन चाह सकते हैं, उसके पीछे भाग सकते हैं, प्यार का जो क्रश है वो आपके अंदर आ सकता है। आप अपने सपनों को, जो आपके सपने हैं, जो आपने सोच रखा था, जो आप चाहते थे, वैसा शब्दों का प्रयोग करके उस स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं। और प्रबल संभावनाएं इन सब चीज़ों की बनती हैं। आप किसी व्यक्ति का प्रस्ताव शादी का या प्रेम संबंध का स्वीकार भी कर सकते हैं। कोई आपसे कहे मैं आपसे प्यार करता हूँ, या मैं आपसे प्यार करती हूँ, या मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, या मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, तो आप उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप अपने दोस्तों यारों और जीवन साथी के साथ यात्रा, घूमने फिरने की यात्रा, मौज मस्ती की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस समय में आप तर्क वितर्क करेंगे, बहुत सही बात करेंगे, सटीक बात करेंगे, उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे। जो भी फैसले अपने जीवन से जुड़े हुए लेंगे, कहीं ना कहीं सही लेंगे, और यही फैसले आपको आगे भी लेकर जाएंगे। और आप कोई छोटा निवेश भी कर सकते हैं पैसों का, जिसका लाभ आपको मिलेगा, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़ा लाभ आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास दिमाग होगा, बुद्धि होगी, सर्किल होगा, लोग होंगे, नौकरी व्यापार में अच्छी पकड़ होगी, तो आपको पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए कि इस जगह पे मैं ये पैसा लगाऊं और ये 15 दिन में मुझे डबल मिल जाएगा, ऐसी कोई स्कीम वगैरह भी आप खोज कर ले आ सकते हैं, या किसी मार्केट में या किसी स्कीम में पैसा लगाकर शानदार लाभ कमा सकते हैं। और पार्टनरशिप में जो अगर आपका व्यापार चल रहा है तो वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और जिसका प्रभाव आपके व्यापार और आपकी इनकम पर पड़ेगा। पार्टनरशिप में तलखियां हो सकती हैं, और विदेशी बाजार से अगर आप जुड़कर कोई काम कर रहे हैं
तो बेहतरीन लाभ की उम्मीद की जा सकती है इस गोचर काल में। तो कर्क राशि वालों के लिए गोचर बेहतरीन रिजल्ट लेकर आ रहा है। हाँ, शादीशुदा जीवन में थोड़े से तनाव जरूर हैं और पार्टनरशिप जो है, चाहे वो शादी की पार्टनरशिप हो, चाहे व्यापार की हो या प्यार की हो, वहाँ पर थोड़ा सावधान रहिएगा। नौकरी व्यापार हर जगह पर आप करिश्मा करेंगे और जबरदस्त धन लाभ और पद मान सम्मान कमाएंगे और साल 2022 वो शानदार बुध कर्क राशि वालों के लिए जरूर बना देंगे, आपका जादू जरूर चलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति बेहतर है तो आपके लिए सब कुछ बेहतर है, और अगर नहीं बेहतर है तो उसको सही करने के लिए आप जन्म कुंडली की जांच कराएं और अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करके बुध और अन्य ग्रहों को सही करके जीवन की तरक्की पाते चले जाएं। और इसके साथ साथ मैं आपसे यही कहूँगा, गणेश जी की उपासना करिए, भाई बंधुओं का सहयोग लीजिए और मंदिर जाएं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, पूजा करें, पाठ करें और अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने भतीजों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आने वाला नव वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।